इंदौर में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। सचिन सोनी नाम के एक व्यक्ति ने कई कपड़ा व्यापारियों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। यह ठगी उसने 25-25 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर की। कई व्यापारियों को वो झांसा देता रहा कि मैं आपको 25 लाख रुपए का लोन करवा दूंगा। इस लोन की एवज में उसने लोगों से कभी 2 लाख तो कभी 3 लाख रुपए लिए, लेकिन एक का भी लोन नहीं कराया। व्यापारियों को वो कई दिनों तक छकाता रहा। व्यापारियों ने उससे जब कहा कि हमारा लोन नहीं हो रहा है तो हमारे पैसे लौटा दो, लेकिन उसने पैसे भी नहीं लौटाए और अब व्यापारियों को धमका रहा है। सचिन सोनी नाम के इस व्यक्ति का चेतक सेंटर पर लोन देने का जो ऑफिस था वह भी बंद हो चुका है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है। जी, मुझे एक प्लेम्पेड मिल रहा था, जो है प्लेम्पेड, इसके थ्रू मैं इसके ऑफिस में गई थी, वहाँ बातचीत हुई। इसका नाम सचिन सोनी है और इसने मुझे कहा है कि आपको मैं लोन करवा दूंगा बिजनेस के लिए और महिलाओं को छूट मिलती है इसमें, तो उन्होंने जिसने मुझे 25 लाख का वादा किया है इसका 25 लाख का आपका लोन करवा दूंगा मुख्यमंत्री की योजना में। 25 लाख का लोन का बोला इसने मुझे कि मैं ये लोन करवा दूंगा। इसने फिर मुझे कुछ फाइल वगैरह कुछ दस्तावेज बताया, उसने साइन भी करवाया इसने मुझे, और लेकिन इसने कोई लोन वोन करवाया नहीं। जब मैं इसको फोन लगा रही, फोन उठाता ही नहीं। जब मैं इसके ऑफिस गई तो पता चला कि ऑफिस बंद करके चला गया। फ्रेंड टेड सेंटर में है। मैंने इसकी पुलिस में भी शिकायत की और क्राइम ब्रांच में भी मैं शिकायत देने वाली हूँ इनकी। इसने सैकड़ों लोगों के साथ की, जो बेचारे रोजगार करते, रोज का काम करते, उन लोगों के साथ भी धोखा किया। मतलब 500 से 1000 के, मतलब समझ लीजिए आप, इतने लोगों के साथ किया इसने धोखा। मेरी जानकारी में इसके आसपास वाले बहुत हैं जो शिकायत के हुए हैं इसके। हमको शिकायत प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति के द्वारा जो है लोन के नाम पे, दिलाने के नाम पे ठगी की जा रही है। इसमें हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच कर रहे हैं, सभी तथ्यों का पता कर रहे हैं और निश्चित ही इसमें जो गलती पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये जांच का बिंदु है, इसको हम जांच पूरी होने के उपरांत इसमें स्थिति और स्पष्ट हो पाएंगे।